हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग टॉपर। आज हम बात करने वाले एलएनटी फूड लिमिटेड शेयर के बारे में। आज जो है हम इसके डिटेल टेक्निकल फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करने वाले। इसी के साथ इस शेयर की अगर हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल चार्ट पे यहाँ पे एक अच्छा खासा पैटर्न नजर आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इसकी मोमेंटम और पब्लिक आउट की भी आज हम जानने वाले हैं। तो शुरू करेंगे हम फंडामेंटल से। 77 की इसकी प्राइस चल रही है, 2488 की इसकी जो है वो मार्केट कैप है कंपनी का। अगर हम देखें तो पुरानी कंपनी है, इनका बिजनेस जो है फूड इंडस्ट्री में ये अच्छे खासे नंबर पर रैंक करती है। इनके जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, दावत जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को ये जो कंपनी है ओन करती है। अगर हम बात करें दावत जो है सबको बताएं, अगर हम बात करें कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की, तो यहाँ पे 1980s में ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। मतलब पुरानी कंपनी है, 40 साल इसको जो है हो चुके हैं लगभग। तो एक ट्रस्टेड कंपनी है। अगर हम बात करें इनके जो अदर फंडामेंटल्स की, स्टॉक पी की बात करें तो 8.98 का इनका स्टॉक पी है, बुक वैल्यू 58 की। तो बुक वैल्यू और स्टॉक पी दोनों ही हमें जो है अच्छे खासे वैल्यू पे अभी अवेलेबल है। मतलब बुक वैल्यू और स्टॉक पी हमें यही बता रहे कि कंपनी की प्राइस जो है वो ठीक ठाक है। अगर हम बात करें स्टॉक पी की, तो इंडस्ट्री स्टॉक पी है 42 का और इसका स्टॉक पी 8.98। तो 8.98 और 42 में बहुत डिफरेंस है और शेयर का स्टॉक पी कम है। अच्छे खासे प्रॉफिट कंपनी करते हुए जा रहे हैं। कैसे करते जा रहे हैं, आरओसी की बात कर लेते हैं। आरओसी कर रही है 14.8 का चल रहा है और आरओई चल रहा है 16.9 का। तो आरओसी आरओ बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आरओसी आरओ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आरओसी आरओ अच्छा खासा है। कंपनी डेप जो बिलोंग करती है, मतलब कंपनी पे थोड़ा सा डेप है, 1144 करोड़ का डेप टू रेशियो 0.61% का इनका बन रहा है। ज़्यादा कर्जा नहीं है, कंपनी अपना डेप रिड्यूस कर रही है। मतलब कंपनी में कर्जा है, लेकिन इससे अच्छी बात यह है कि कंपनी जो है अपना डेप रिड्यूस कर रही है, एक अच्छी बात होती है। अगर हम देखें तो कर्जा होने से भी ज़्यादा ये एक पॉजिटिव बात है कि कंपनी अपने कर्जे को कम करने की कोशिश में लगी हुई है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी का जो है वो 1.29% का है। डिविडेंड भी अच्छा खासा कंपनी प्रोवाइड करती है। आरओसी आरओई भी अच्छा खासा, सब कुछ अच्छा खासा यहाँ पे जाता हुआ जा रहा है। प्रॉफिट्स देख लेते हैं। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो अपनी इंडस्ट्री में ये 8 नंबर पर रैंक करती है मार्केट कैप के हिसाब से। इसका जैसे छोटा मार्केट कैप है, उसकी वजह से नीचे की तरफ ये रैंक करती है। अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट की, तो 71 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने बनाया था दिसंबर में। उससे पहले 77 करोड़, 73 करोड़, 56 करोड़। तो यहाँ लगातार प्रॉफिट्स है, बड़े बड़े प्रॉफिट्स है, लगातार प्रॉफिट्स है। सेल्स भी अच्छी खासी बनती हुई जा रही है। 1368 की सेल्स है, पिछली बार 1320 की सेल्स थी। तो यहाँ पे सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, सब कुछ जो है वो अच्छा खासा हमें यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम देखें सालाना प्रॉफिट की, तो सालाना प्रॉफिट में 277 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने इस बार TTM में बनाया हुआ है। पिछली बार का 274 करोड़ था, उससे पहले 184 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मतलब एक अच्छी बात है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे 2% से इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर। 3 ईयर्स में जो है 27% से इंक्रीज हुआ है, 5 ईयर्स में 31% से इंक्रीज हुआ है और लास्ट 10 ईयर्स में 28%। तो यहाँ पे ग्रोथ हमें सीधे सीधे दिख रही है। सेल्स ग्रोथ भी हो 5 ईयर्स से लास्ट ईयर में जो इंक्रीज हो चुका है, लास्ट 3 ईयर्स में भी 9%। तो सेल्स भी बढ़ रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी तो बहुत बढ़िया है, 17% से इंक्रीज हुआ है रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर से। लेकिन स्टॉक प्राइस CAGR में हाल बुरा है, -6% से इंक्रीज हुआ है, मतलब -6% डाउन गए। अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस एज कम्पेयर टू प्रॉफिट जो है वो अप गए, मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए कि प्राइस कम हो चुकी है लेकिन कंपनी के फंडामेंटल जो है वो सुधरते हुए दिख रहे हैं। फंडामेंटल्स ऊपर जा रहे हैं और इसकी प्राइस जो है वो डाउन जा रही है। तो इसके सबसे हमें देखें देखो मिलेगा कि ये एक अच्छी खासी हमें जो है यहाँ पे चांस जो है नज़र आ जाएगा। अगर देखें सेल्स तो 5049 की इनकी सेल्स है TTM में, पिछली बार 4600 की थी। तो सेल्स भी अच्छी खासी बढ़ती हुई दिख रही है, यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं स्टॉक। टोटल एसेट्स 3707 के हैं और कैश फ्लो जो है वो -2 का है। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा तो नहीं है माइनस में। और प्रमोटर्स के पास 56.81% शेयर्स है, FIS के पास 1.38% शेयर, DIS के पास 3% शेयर्स है, पब्लिक के पास 38% शेयर्स है। सबसे ज़्यादा शेयर्स यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है। एक और पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के बारे में अगर देखें तो, इसी के साथ FIS DIS भी इसमें जो है थोड़ी सी वैल्यू जो है वो रखते हैं। FIS DIS भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है, DIS जो यहाँ पे जो कम ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू की है, लेकिन ये एक आम बात है। अगर हम देखें इसके चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ये शेयर जो था इसने हाई बनाया था लगभग 101 रुपीज़ का। तो यहाँ से इसने जो डाउन साइड मोमेंटम जो पकड़े वो अभी तक रुका नहीं है। अगर हम देखें तो इसने जो इस बार सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने की कोशिश करें। अगर हम देखें ऑल टाइम हाई से ये जो डाउन साइड गया था प्रॉफिट बुकिंग और ऑर्डर के चलते, इसी के साथ मार्केट भी प्रेशर में था, इसने सपोर्ट लिया था लगभग 73 रुपीज़ का। 73 से अभी ये 77 तक पहुंच चुका है, 4 रुपीज़ ये अब आ चुका है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बनती हुई दिखी थी, फिर एक रेड कैंडल भी बनी है। तो यहाँ पे अभी ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो इससे हमें यही पता चल रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल जो बनता हुआ दिखेगा 72 से ये शेयर जो अप डाउन करते करते फिर से एक बार बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। अगर ऊपर की तरफ फिर से एक बार ब्रेकआउट मिलता है हमें 80 रुपीज़ का, तो वहाँ से ये शेयर फिर से एक बार जो है नया हाई लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन वहाँ से डाउन साइड जाते तो मार्केट प्रेशर की वजह से ये जो रुकना थोड़ा सा मुश्किल है।
अगर हम बात करें तो 58 रुपीज़ मतलब बुक वैल्यू के आसपास ये फिर से जा सकते हैं। मार्केट प्रेशर में यही एक रीज़न है, फंडामेंटल्स में कोई भी गड़बड़ नहीं है, फंडामेंटल्स के हिसाब से लॉन्ग टर्म में ये हमें प्रॉफिट दिला सकता है, लेकिन मार्केट की वजह से ये शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गड़बड़ी दिखा भी सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। मैंने इस वीडियो को भी बाय और सेल का सिग्नल नहीं दिया, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। थैंक यू।